नमस्कार। ताजा फलों के गोदाम में फलों को सड़ने से बचाने हेतु समय समय पर सड़ते हुए कुछ फलों की छटनी की जाती है, ताकि फल ताजा बने रहें तथा पूरा गोदाम ना सड़ने पाए। इसी प्रकार प्रकृति के अकट नियमों के अनुसार चलने वाले सनातन में समय समय पर सनातन की विचार की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए ऐसे अनेक मनुष्य हुए हैं जो ईश्वरीय प्रकृति के सनातन नियमों में मिलावट करके अपने नियम बनाने का दुस्साहस करते रहे हैं। ऐसे असंख्य मनुष्यों ने सनातन को छोड़कर अपने अपने नियम बनाए, परंतु दृढ़ सनातनी मूल होने के कारण वो सभी के सभी कभी भी सनातन के आंचल की छांव से अलग नहीं हो सके। और इसीलिए आज भी भारत में सनातन से निकले कितने पंथ संप्रदाय हैं, उनको गिनना तो दूर की बात है, कल्पना करना तक संभव नहीं है। पर सबका मूल सनातनी होने के कारण सबका आपस में संबंध प्रकृति के अकाट्य नियमों से बंधा हुआ है। इसीलिए आपस में खटर पटर करते हुए भी सब अपने को सनातनी पूर्वजों की संतान जानते हुए गर्व करते हैं। जैसे कुछ फलों के 100% खराब होकर पूरा सड़ने पर छटनी करके उन्हें किसी आवारा पशु के लिए बाहर रास्ते के किनारे फेंक दिया जाता है, वैसे ही मध्य एशिया के रेगिस्तान में 1400 वर्ष पूर्व किसी सड़ियल रेगिस्तानी दुग्गी द्वारा उगले गए आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले नीचमूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्कर रहमत उल्लू वाले द्वारा स्थापित किए गए लूट, झूठ, हिंसा, बलात्कार और कुकर्म के 5 स्तंभों पर खड़े मस्कर वंश के आक्रमणों के समय जिन सनातनियों ने कायर का प्रदर्शन करते हुए किसी विचार से नहीं अपितु मात्र प्राणों के भय से सलवार पहन ली थी, वो लोग सनातन रूपी विभिन्न फलों से सुसज्जित टोकरी में वो सबसे सड़ा हुआ फल सिद्ध हुए हैं, जिसका किसी के उपयोग में आना तो दूर, उसके पास खड़े होने पर भी दुर्गंध का अनुभव होता है। संपूर्ण अखंड भारत भूमि पर फैले मस्तखर वंशियों का अस्तित्व सड़े हुए फलों की दुर्गंध के जैसे समस्त सनातन मानव समाज के लिए समस्या का विषय बन चुका है। सनातनी बीज होने के कारण इनकी रचना ही ऐसी थी कि अन्य सभ्यताओं की तरह इन्हें मस्तखरवंशी बनाना प्रकृति के नियमानुसार एक असंभव कार्य था। इन्हें तो मात्र तलवार के बल पर सलवार पहनाकर दास्ता अशिक्षा तथा आपस में ही घोर प्रजनन करके आनुवांशिक विकृति के मार्ग पर रेवड़ की तरह हांका गया है। इसलिए अखंड भारतवर्ष की भूमि पर पूर्वी और पश्चिमी बाड़े में पूर्ण रूप से भरे पड़े तथा बाकी स्थानों पर भी घोर प्रजनन करके बड़े बड़े झुंड बनाने का प्रयास करते मस्तखरवंशी कहे जाने वाले इन जानवरों का मूल परिचय यह है कि ये मस्तखरवंशी हैं ही नहीं। मस्तखर के नाम पर पृष्ठ छिद्र उठाकर रखने वाले ये सलवारधारी तो उन सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर मस्तखर के नाम की मोहर लगाकर उन्हें ढो रहे हैं, जिन्हें सनातनी मानव समाज शिक्षा तथा सनातनी संस्कारों की अपने को उन्नत रखने की क्षमता के बल पर बहुत पहले ही पीछा छुड़वा चुका है। इसलिए सड़े फलों की तरह अखंड भारत भूमि पर झुंडों में पड़े मस्तखरवंशी जानवरों को ना तो मध्य एशिया के रेगिस्तान में काले शोच वाले चबूतरे के चारों ओर निवास करने वाले वास्तविक मस्तखरवंशी कभी अपनाने वाले हैं, और ना ही सनातन की आत्मा को शीतल करने वाली छांव में वापस लौटकर आने की बुद्धि और शक्ति इन हारे हुए कायरों में बची है, जो आज उसी धोबी के कुत्ते की तरह पिछवाड़े में दुम दबाए गुर्रा रहे हैं, जो ना तो घर का है और ना ही घाट का, तथा धोबी डंडा लेकर उसकी छुट्टी करने की तैयारी में है। इस वीडियो में रेवड़ राष्ट्र के एक मस्तखरवंशी मौलाना की बातों से आपको अखंड भारत की भूमि को प्रदूषित कर रहे इस धोबी के कुत्तों के जैसे आवारा भटकते रेवड़ की सही मजहबी स्थिति का अनुमान हो जाएगा। मैं कहता हूं इस्लाम ने जो मुबारक दौर पहले 300 साल के बाद आज का दौर देखा है ना, पिछले 1200 साल में नहीं देखा, 1100 साल के अंदर। आप अपने बुजुर्गों को रो रहे हैं, आप जरा को अपना बाबा चिट्टी दाढ़ी वाला लेके आए ना, जिसने अभी कभी यंग एज के अंदर कुरान तर्जमे से पढ़ा हो, और वो उसको कहेंगे कुरान पे लफ दे के तेरे अब्बे ने भी कुरान तर्जमे से पढ़ा हुआ। रिवाज ही कोई नहीं था। और सर ये दाढ़ियों वाला रिवाज भी अब शुरू हुआ है सब कॉन्टिनेंट में। तो पहले कितने इधर जवान लोग इतनी दाढ़ियां वाला सिलसिला था उनका, या इसी तरीके से औरतें इस तरह नकाब करती थी, ये नहीं था। ये अब एजुकेशन आई है। बुखारी का तर्जमा ही कोई नहीं था सर। बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, 800 साल पूरे नहीं हुए, 2019 चल रहा है, 6 जनवरी आज। और कहते हैं बुजुर्गों की खिदमात, मैं कहता हूं जी बुजुर्गों की खिदमात है तो आप बुजुर्गों के नाम लेते जाए और मुझे बताएं कि जी ये फलां सूफी बुजुर्ग का कुरान का तर्जमा है, फलां सूफी बुजुर्ग ने बुखारी का तर्जमा किया। कोई एक काम भी किया हुआ किसी ने? शेर ही लिखते रहे जे, शेर ही लिख लिख के टोर गए ने। तो 1000 साल तक कम से कम फारसी में तर्जमा कर देते, हदीस का तर्जमा कर देते, तो कौन सी कंट्रीब्यूशन?
लोग भी सुन रहे होते, वो खाली कलमा बनाना को कंट्रीब्यूशन है। ये लूले लंगड़े मुसलमान बना के हमारे मत्थे करके चले गए जिनको पता ही कुछ नहीं है। तो वो मौला मदूदी वाली बात सही है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया, इस्लाम ने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग कबूल कर लिए। मैं देख लो काम तो वही चल रहे हैं, रसूमात वही चल रही हैं, अकायद वही चल रहे हैं। आप हिंदुओं को भी देख लें, वो भी अपने सिखों को भी देख लें, मज़ारों के ऊपर डोलियाँ चढ़ा रहे हैं, ये भी डोलियाँ चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक मामला चले गए हैं, तो बहुत बिगड़ा हुआ मामला है। जो आमदा आपसे को बात करें ना, बड़ी खिदमात है हमारे बुजुर्गों की, बहुत खिदमात है, उनको कहें बताएं कौन सी खिदमत है, दिखाएं मुझे कि ये 600 साल पहले ये फलां बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कुरान का ये तर्जमा किया है, ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है, लोकल लैंग्वेज में बुखारी को ट्रांसलेट कर दिया है, मुस्लिम को ट्रांसलेट कर दिया है, कुछ भी नहीं। अपने अपने वो फिरके की वो अजीबो गरीब शेर व शायरी करते हुए मर गए, और आज लोग जो है वो कहते हैं जी वो कलमा पढ़ाया। तो कलमा तो सर किसी से भी पढ़वाया जा सकता है आप, वो तो हम उसकी इंजीनियरिंग करना शुरू करें। दीन की नहीं खिदमत की, अपने वो बुजुर्गियों के जो सिलसिले हैं उनकी खिदमत की है। दीन की खिदमत होती तो आज हमें नज़र आ रही होती। आज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अक्सर लोग सूरतुल फातिहा के टेस्ट में फेल ना हो रहे होते, ये का नाबुदू व ये का नस्तईन पढ़ पढ़ के भी वो बाबों को ना पुकार रहे होते। मस्त करवंशी कहलाने वाले अखंड भारत भूमि पर भटकते मानवों जैसी आकृति वाले विकृत जानवरों की मजहबी स्थिति के विषय में आप भी अपना आंकलन संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक रोचक ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल बाग डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।